ईद उल अज़हा के मौके पर जैसे बहुत सारे इंडिविजुअल हाउसेज में स्लॉटिंग की जाती है, तो क्या जो उनके लिए कंडीशन रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? सबसे पहले तो मैं ब्रदरान इस्लाम को ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद देना चाहूँगा। और जहाँ तक कुर्बानी का सवाल है, एक इस्लाम का बहुत अजीम और अहम फरीदा है, इस मौके पर आप अपनी जो फरीदा करते हैं कुर्बानी का जो करते हैं आप, जो इसको ज़ाया ना होने दें। जो हमारे पड़ोसी हैं, जो बरादरान वतन हैं, उनको तकलीफ़ ना पहुँचे और उनको कराहत ना हो। जो भी आप कुर्बानियाँ करते हैं, जो गोटियाँ निकलती हैं, गलीजा की जो निकलती है उसकी आप चौराहों पर डालते हैं, रोडों पर डालते हैं, उसको ना डालें। BBMP ने अपने जो जितने भी हेल्थ इंस्पेक्टर्स हैं उनको काम पर लगाया है, और जो हमारे वर्कर्स हैं उनको भी हमने काम पर लगाया है कि घर घर जाएं, जहां पर कुर्बानी हो रही है वहां पे बैग दी जाएगी, और बैग में आप अपनी गलीज जितनी भी गलीजा की निकलती है उसमें बैग में डालकर दे दें। और DDT पाउडर का भी हमने इंतज़ाम किया है, चौराहों पर ना डालें। और लोगों को जो हमारे ब्रदर वतन हैं उनको कराहत नहीं आने दें, और एक सफाई साफ सफाई का इंतजाम रहेगा, वो इंतजाम को फॉलो करें। स्पेशली इस मौके पर जो है BBMP के लिए जो मोर एक्टिव होती है, वो क्या किस तरह के BBMP की जानिब से की जाए? देखिए, BBMP की जानिब से हर बकरीद के वक्त एडिशनल ट्रैक्टर्स दिए जाते हैं, बैग्स का इंतजाम किया जाता है, DDT पाउडर का इंतजाम किया जाता है, तो और एडिशनल वर्कर्स का भी इंतजाम किया जाता है वार्ड वाइज। तो लोगों से हम यही गुजारिश कर रहे हैं कि जितने भी आप कुर्बानी कर रहे हैं, आप कुर्बानी की जो गलीजा की निकलती है वो लोगों हमारे BBMP के वर्कर्स को दें, और पाक सफाई का जी क्या मैसेज रहेगा सर? पुलकेशी नगर ही नहीं, जहां पर भी बैंगलोर में जिधर भी कुर्बानियां हो रही है, मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि पाक सफाई का आप एहतराम करें, और जहां तक हो सके हमारे BBMP वर्कर्स को बोटियां जो निकलती हैं, गलीजा की जो निकलती हैं, वो हमारे वर्कर्स को दे दे बस।